हमारा कानून का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में हैंडकफिंग मतलब हथकड़ियों पर क्या कानून है। आपने यदि आप किसी कोर्ट के आसपास से गुजरे हैं या किसी पुलिस स्टेशन के आसपास से गुजरे हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल नज़ारा होता है किसी व्यक्तियों को हथकड़ियों में देखना। पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को जो पुलिस कस्टडी में है या जो ट्रायल में है और उसे जेल से पेशी के समय ले जाते समय पुलिस जो है उसके पैरों में जंजीरें बांध देती है, हाथों में भी उसकी जंजीरें या हथकड़ियाँ बांध देती हैं। लेकिन हमारे देश में शायद आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश का कानून यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ शर्तों के, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी हैं, यदि वो कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में हथकड़ियाँ नहीं डाली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में एक फेमस जजमेंट आया सुनील बत्रा वर्सेस जेली एडमिनिस्ट्रेशन और 1980 में एक दूसरा जजमेंट आया प्रेम शंकर शुक्ल वर्सेस जेली एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में हैंडकफिंग पे क्या लॉ है उस पर लाइट डाली, उस पर बात करी। उसके चार मुख्य बिंदु जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम तक मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। पहली बात, एज अ मैटर ऑफ रूटीन पुलिस का कोई भी ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को हथकड़ियाँ नहीं पहना सकता। हथकड़ियाँ केवल और केवल तब पहनाई जा सकती हैं जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो उसने किसी प्रकार का अजमानती मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो कमिट करा हो। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो काफ़ी गहन अपराध होते हैं। उन गहन अपराधों के लिए जिसके लिए बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती, उन्हें हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। केवल ऐसे गहन अपराधों के लिए यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो उसे हथकड़ियाँ लगाई जा सकती हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी प्रकार से पुलिस को यह डर है कि व्यक्ति के कैरेक्टर या उसका पूर्व रिकॉर्ड यह कहता है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से वायलेंट नेचर का है, रुकावट पैदा कर सकता है, किसी प्रकार से तोड़फोड़ कर सकता है, तो उस व्यक्ति को जो है वो हथकड़ियाँ लगाई जा सकती हैं। और फाइनली, यदि यह डर है पुलिस को कि व्यक्ति सुसाइड कमिट कर सकता है या वो वाकई में सक्सेसफुली भाग सकता है, इतना सक्षम है कि वो पुलिस के चार लोगों के होते हुए भी भाग जाएगा, इस प्रकार का उसका रिकॉर्ड रहा है, ऐसे कंडीशंस में पुलिस उसको हथकड़ियाँ लगा सकती है। लेकिन इन सारी कंडीशंस के प्रेजेंट होने के बाद भी पुलिस जब व्यक्ति को कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो पुलिस को मैजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि क्या कारण है जो उसे हथकड़ी लगाई गई है, और मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही किसी व्यक्ति को जो है हथकड़ी लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स में ये बात कही कि हथकड़ी लगाना जो है वो एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 9 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, इन सारे राइट्स का जो है वो हनन होता है यदि किसी व्यक्ति को एज अ मैटर ऑफ रूटीन जो है वो हथकड़ी लगाई जाती है। देखिए, एक और जजमेंट आया सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, जिसमें कुलदीप नायर साहब ने कोर्ट को लिखा कि उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्तियों को एक हॉस्पिटल में बेड पर जो है वो चेन के साथ बांध दिया गया है, जबकि उस कमरे के बाहर जो है वो पुलिस गार्ड मौजूद हैं, उन व्यक्तियों का भागने का कोई डर नहीं है, फिर क्यों उन्हें जो है इस प्रकार से स्टील की जंजीरों में बांध के रखा गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर पहले दो जजमेंट्स की बातों को दोहराया और कहा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना कारण, बिना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिए किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकता। दूसरी बात, कोई पुलिस ऑफिसर यह बहाना भी नहीं दे सकता कि चूंकि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसे ऑर्डर दिया है इसलिए उसने व्यक्ति को हैंडकफ किया है या हथकड़ियाँ पहनाई हैं, ये अपने आप में वैलिड रीज़न नहीं है। कोर्ट की परमिशन किसी भी ऑफिसर को लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है व्यक्ति को हथकड़ी लगाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में कहा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि इस देश के कानून का वायलेशन करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट के सामने सज़ा जो है भुगतना पड़ सकती है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप कानून की ये बहुत गहरी बात जानें कि किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में हथकड़ियाँ नहीं लगाई जा सकती। पुलिस जब कभी हथकड़ियाँ लगाता है वो एक किसी सीरियस मामले में किसी व्यक्ति को हथकड़ियाँ लगा सकता है, और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद। पुलिस के पास एक डेली डायरी रिपोर्ट होती है, उसमें क्या कारण से आपने व्यक्ति को हथकड़ी लगाई है उसका ब्यौरा देने के बाद, ये सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद ही मतलब
कोर्ट से परमिशन, डेली डायरी में उसका रिपोर्ट, और ये एक रिक्वायरमेंट कि व्यक्ति जो है वो सीरियस ऑफेंस के लिए उसे गिरफ्तार किया गया हो या वो सुसाइड कमिट कर सकता है या भाग सकता है, इन सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ियाँ हमारे देश में लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि व्यक्ति के रिस्पेक्ट के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए ज़रूरी है कि हम इंसानों को किसी भी समय पर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करें, हम उन्हें इस प्रकार से हथकड़ियों में नहीं रख सकते। आपके आसपास यदि किसी भी प्रकार के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो कृपया आप उसके अधिकारों के लिए लड़ें, आगे आएँ और उन्हें बताएं कि बिना कारणवश पुलिस हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा कानून का इस हफ्ते का वीडियो जो है वो आपके काम आएगा। यदि आपको पसंद आए तो कृपया इसे उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जो हमारे देश में इस कानून का उपयोग कर सकते हैं। इसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे इसे शेयर करें। इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मेरी कोशिश रहेगी एक किसी ऐसे नए मुद्दे पर, कानूनी मुद्दे पर बात करने के लिए जिसका आमतौर पर लोगों को इस्तेमाल करना होता है या उपयोग करना होता है, और इस माध्यम से हम हमारे देश में एक लीगल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कानून का साथ देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बंसल, धन्यवाद।